प्रदेश विधानसभा में हुई घटना और नेता विपक्ष सहित कांग्रेसी विधायकों के निलंबन को लेकर युवा कांग्रेस आग बबूला हो गई है। जिला कांगड़ा युवा इकाई के अध्यक्ष पंकज कुमार की अगुवाई में धर्मशाला के कचहरी चौक पर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाया और जल्द से जल्द नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस विधायक के निलंबन को वापस लेने की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि या तो कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस हो या फिर भाजपा के विधायकों और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार को घेरा जाएगा। मैं जिलाध्यक्ष कांगड़ा पंकज कुमार पंकू और मेरे साथ मेरे सारे युवा साथी तरसेन जी हैं, बिशप भारती जी हैं, अनुराग नोयाल जी हैं, अनुज हैं, शेखू हैं, बाकी जो सब संगम जी हैं, पुनीत दीवान जी हैं, सारे जो युवा कांग्रेसी यहां पर इकट्ठे हुए हैं, वो प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी जो कल विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हुई है उसके कारण ये जो पुतला जलाया गया है और रोष प्रदर्शन हो रहा है। हमारे लोगों की मांग ये है कि कल जो गुंडागर्दी की गई वो बीजेपी के विधायकों जो हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी के द्वारा धक्का मुक्की की गई, लेकिन जो निलंबन किया गया वो हमारे कांग्रेस के 5 लीडरों के निलंबन किया गया। हम चाहते हैं इस निलंबन को वापस लिया जाए और ये जो धक्काशाही की गई है हंसराज जी के द्वारा और पार्टी जो जयराम सरकार जी की पार्टी है उनके लोगों के द्वारा जो धक्का मुक्की और गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनको भी निलंबन किया जाए या तो हमारे विधायकों का निलंबन वापस लिया जाए। और अगर ऐसा प्रदेश सरकार जो गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है अगर ये ऐसा काम नहीं करती है, हमारे निलंबन वापस नहीं लेती है विधायकों का, तो इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव भी होगा और पूरे हिमाचल प्रदेश में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे।